बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है गाइस? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुनाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। कपल। तो गाइस आज की वीडियो है बीइंग मुस्लिम प्रोडक्शन चैनल से और वीडियो का नाम है वेरी इमोशनल व्याम, मैं भी नाचता और गाया करता था बाय मौलाना तारिक जमील। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का और वीडियो का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। और ये रिकमेंडेड वीडियो भी है, तो जिन्होंने हमें रिकमेंड की थी उनके नाम है दानिश सूफ़ी और मोहम्मद अनिस, यही दो नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं खुद इस वादी से गुजरा हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, कॉन्सर्ट्स में गाता था, इन वादियों से गुजरा हूँ, इन गटरों का पानी पिया है, इन अलास्तों से लिथड़ा हुआ। मेरा तो कोई इरादा इधर आने का नहीं था, एक बड़े बाप का बेटा था, बड़ा खानदान था। मेरे बाप ने कुछ और ख्वाब देखे थे, मैंने कुछ और सपने देखे थे, लेकिन उस शहनशाह आजम ने मुझे रोशनी दिखाई, मुझे रास्ता दिखाया। मैं हमेशा उसको दुआएं देता हूँ जो मुझे पकड़ के तबलीग में ले गया। मैं तो नहीं जाना चाहता था, ना मेरा शौक ना मेरा शौक, मैं गाने बजाने वाला। एक मेरा दोस्त मुझे खींच के ले गया, मुझे बताया भी नहीं कहाँ ले जाना है, कुछ पता। लेकिन जो मैं सेंट रॉबर्ट स्कूल से उसके साथ थे, हम क्लास फेलो भी थे, रूममेट भी थे, पीछे बैकग्राउंड जमींदारा था, तो वो मुझे कहा मुझे एक काम है, मेरे साथ चलो। उसको खींच के ले गया, वहाँ से अल्लाह ने मुझे रोशनी दिखाई। मैंने अपना एनालिसिस किया कि अगर मैं अभी मरता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, अगर मैं इस वक्त मुझे मौत आ जाती तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे नजर आया कि जहन्नम की आग के सिवा कोई नहीं, तो मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। और मैं गया तो 3 दिन के लिए था, लेकिन मैंने 4 महीने कर दिए। तबलीग में 4 महीने कहते हैं लगाओ, 4 महीने पूरे करके मैं वापस जा रहा था। मुझे पिशावर का एक नौजवान मिला, मेरी उम्र 18 साल थी। उसके अलावा क्या करते हो? मैंने कहा मैंने अभी मेडिकल ज्वाइन करना है। कहने लगा तुम्हारा तुम्हारे वालिद क्या करते? मैंने कहा जमींदार। कहने लगा फिर यही होगा ना भाई, पैसे पर और पैसा जुड़ जाएगा, पैसे पर और पैसा जुड़ जाएगा, यही होगा ना। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इल्म हासिल करो, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। तो उसकी सादा सी लॉजिक मुझे ऐसे लगी, इसलिए कि मैंने 5वीं जमात से ये सुनना शुरू किया, माँ से बाप से चाचे से ताए से, पुत्र तू डॉक्टर बनना, पुत्र तू डॉक्टर बनना, बड़ी इज्जत बड़ा पैसा, ये दो बातें मुझे मुझे याद नहीं कि मुझे कभी माँ ने बाप ने ये कहा हो कि तू मरीजों की राहत बनेगा, मरीजों का इलाज करेगा तो अल्लाह तुझसे राजी होगा, लोगों को सुख पहुंचेगा। ये जुमला मेरे हाफजा में नहीं है, मेरे हाफजा में नहीं है ये जुमला मेरे नक्श किया गया। डॉक्टर बनो, बड़े पैसे बड़ी इज्जत, बड़े पैसे बड़ी इज्जत। और एक हमारे इलाके में, मेरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, उसमें छोटा सा टाउन है तलंबा, उसके साथ हमारा गांव है। तो तलंबे का एक बहुत गरीब सी फैमिली से एक उस वक्त डॉक्टर बना था और अच्छी अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी कमाई थी, तो उनकी मिसाल देते देखिए वो किमें डॉक्टर बनाए थे, किमें पैसे बनाए थे। तो अब एक गलत फील्ड मुझे मिल रही है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ। और पहला नक्श माँ बाप ने गलत लिखा था जो मेरे जहन में डाला गया कि पुत्र डॉक्टर बन जा, बड़े पैसे बड़े पैसे। और मिसालें देकर समझाना कि उसने ये बना लिया ये बना लिया।
तो उस नौजवान ने जब मुझे कहा कि अगर डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि पहले भी पैसा है और पैसा आ जाएगा, यही ना, तो तुम आखरत बना लो, इल्म हासिल कर लो, तो मेरा सारा जो महल था ख्वाबों का, वैसे उसने एक हथौड़े से तोड़ के रख दिया। चूंकि उस वक्त मैं अच्छे माहौल में से गुजरा था, तो मुझे ख्याल है कि बात तो ठीक है। मैंने तो कभी नहीं अपने माँ बाप से सुना कि तू दुखियों की खिदमत करना डॉक्टर बन, मुझे तो यही कहा गया था इज्जत बड़ी मिलेगी, पैसा बड़ा मिलेगा। तो मैंने कॉलेज छोड़ने का इरादा किया और रायगढ़ जो हमारा मरकज है वहाँ मैंने 8 साल तालीम हासिल की। अब जब मैं कॉलेज छोड़ के इरादे से मैं घर गया, तो अब रद्द अमल में क्या आया, रद्द अमल में अब ये आया कि भाई डॉक्टर बन बहुत पैसा बड़ी इज्जत, अब तू मौलवी बनता पे तैनू किसे जुत्ती से नहीं लिखना, छोलियां दी दाल खाना तेरा मुकद्दर बन जाना, तू तो जलील हो जाना है। वो ये कहते हैं बेटा तू डॉक्टर छोड़ रहा है, कितने मरीजों की तू दुआएं लेता, कितने दुखियों का तू इलाज करता, तो अब भी पैसा ही बोला कि डॉक्टर नहीं बनना, मौलवी बनना, मुल्ला। तो हमारे हम लोकल हैं, तो हमारे जो लोकल कल्चर था उसमें जो इमाम मस्जिद एक कमी होता था कम, और मगरिब की नमाज पढ़ा कर एक बहुत बड़ी चंगेर होती थी, जो उठा के चलता था यहाँ रखी होती थी, उस सारे गांव का चक्कर लगाता था, हर घर से एक रोटी दो रोटी, देहाती कल्चर में लोकल जिनको जंगली कहते, अमरावी के किनारे हमारा गांव था, और जितने दरियाओं के किनारे ये सब जंगली लोग, हमारे एक आदमी का बैल छूटा, भाग के मस्जिद में चला, तो पीछे पकड़ने गया इमाम साहब, आ गया अकल ही कोई नहीं भी तुसी अपने जानवर का ही ख्याल करते हो, तो मस्जिद जवाड़ा है मौलवी जी बेजबान है अंदर वड़ा है, कभी असि नहीं आए हैं। ये मैं इस कल्चर में पैदा हुआ, कभी असि नहीं अंदर आए हैं जी, तो छोटा बेजबान है अंदर आ गया जानती करो। तो अब जब मुझे उससे हटाना चाहते हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि तू मौलवी बनेगा तू भूखा, यानी मैं हैरान हूँ कि अल्लाह कह दियो वो सब कुछ और कहने वाले माँ प्यो बच्चा चेता है, वो तो भूखा मर जाना है, तेन किसी जुत्ती दे नहीं लिखना, और तो हमारे इमाम साहब का नाम था अपना मोहम्मद बख्श, तो मोहम्मद बख्श रोटियां पहनते खानियाँ, वो मैं वो कल्चर बता रहा हूँ, ऐसे रख के चलते थे, वो सारे गांव का चक्कर लगाते थे, कहीं से दाल मिली कहीं से रोटी मिली कहीं से दूध मिला, फिर आकर अपने बच्चों को खिलाते थे, तो वो इसकी सर्व मुझे लगा था। वहां भी ये नहीं समझाया कि तेरे जरिए से कितने गरीबों का भला हो जाएगा। शॉर्ट बयान है, पूरा नहीं है, आधे बीच में ही रुक गया। हाँ, तो कॉन्सेप्ट इनका मतलब वही है कि देख, तो पहले तो मौलाना तारिक जमील बहुत अमीर फैमिली से, जिमीदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और जिमीदार उस टाइम में होना बहुत बड़ी बात थी। जिमीदार मतलब जो आसपास के लोगों को ज़मीन देता है कि भाई तुम इस ज़मीन पे वो करो, और लोगों की लोगों को पैसा देता है सूद पे कि भाई तुम पैसा लो हमें उसका सूद दे देना, ब्याज देना, ये तो बड़ा समझा जाता था जमींदार को बड़ा और पैसे वाला, पैसे वाले होते हैं ऑफ कोर्स, पैसे वाले ही होते हैं। तो तारिक जमील से स्कूल टाइम में तारिक जमील को कोई बंदा, उनका कोई फ्रेंड वहाँ पर ले गया तब्दीली जमात का किसी एक लेक्चर में या किसी एक बयान में लेके ले गए, 3 दिन का ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मौलाना तारिक जमील ने देखा सुना, तो उनके जहन पर फिर ये अंदर तक आ गया। बाद में फिर जब कॉलेज में आए ये, तो फिर मेडिकल कर रहे थे ये,
उस टाइम फिर किसी बंदे ने इनको बोला होगा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम मैं मेडिकल से डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, पैसा ऑलरेडी है, पैसे से पैसा बनाना चाहते हो तुम, यही वो चीज़ फिर इनको चुभी होगी। और बिल्कुल सही बात की है इन्होंने कि माँ बाप ने बचपन में क्या बोला था, माँ बाप ने बचपन में ये बोला था कि बेटा डॉक्टर बन, अच्छे पैसे हैं, अच्छी इज्जत है, पैसे और इज्जत, पैसा और इज्जत दोनों आएंगे। और कुछ भी नहीं। हाँ, और कुछ नहीं, मतलब दीन की तरफ का कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने कि भाई कि आप अच्छा काम करोगे या लोगों को फिर ठीक 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 करोगे, करके। हाँ बीमारियां सही करोगे लोगों की, हाँ दुआएं हाँ मिलेंगी आपको लोगों की। ये सब नहीं बोला, बस इतना ही कहा गया कि आपको इज्जत मिलेगी और शोहरत मिलेगी, डॉक्टर बन जाओ। तो इनके भी ऐसे ही ख्वाब थे बहुत कि भाई इन्होंने MBBS ज्वाइन करना था अभी, तो जहाँ ये तब वहाँ गए थे ना जमात में, तब्दीली जमात, तब्दीली तबलीगी तबलीकी शायद। तबलीगी जमात, तो वहाँ वहाँ से वापस आ रहे थे। ये 3 दिन की थी वो, इन्होंने वहाँ पे 4 महीने स्पेंड किए, ऐसा बताया। तो जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में इनको एक नौजवान मिला, उनसे इन्होंने बात करी कि अब क्या करना चाह रहे हो आगे। तो इन्होंने बताया कि अभी मैं ज्वाइन करूँगा जस्ट MBBS, तो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने बताया कि आपके फादर क्या हैं, तो इन्होंने बताया कि ज़िम्मेदार हैं। तो इन्होंने कहा मतलब पैसे के ऊपर पैसा बनाओगे तो इससे अच्छा आप इस्लाम, आखिरियत, आखिरियत का वो हाँ क्या बोलते हैं इल्म कि, ले लो। हाँ, बिल्कुल। तो तब इन्होंने इनको लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, इवन जो लाइफ के बाद जो मतलब मरने के बाद जो लाइफ है, उल्टा बोल रही हूँ, आखिरियत। आखिरत वो लाइफ है। तो इन्होंने तब सोचा कि मैं मौलवी बनता हूँ तो मेरे को सारी की सारी नॉलेज वहाँ से मिलेगी। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताया था कि इसके लिए 7 या 8 या 9 साल 8 साल। का, हाँ, की पढ़ाई होती है। तो इनके अंदर वो चीज़ जागी, और जो इन्होंने सपने देखे हुए थे वो बोल रहे थे कि वो तो कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही मुझे उस बंदे ने बताया कि आप ये सब करो, तो वहाँ पे वो एक झटके में ही टूट गए। बिल्कुल। तो तब जाके मतलब इन्होंने अपनी ये हिस्ट्री बताई है कि मेरे को इस तरह से मौलवी बनने का मन किया। तब इन्होंने अपने घर आकर के कहा कि मुझे मौलवी बनना है। तो उन्होंने बोला कि मौलवी बन के क्या करोगे, दर दर भटकोगे, छोलियों की दाल जोगे रह जाओगे तुम। और एक आधा एग्जाम्पल भी दिया कि जो उनके मोहल्ले में कोई एक बंदा था, हाँ वो हाँ लोगों के घर जा जाके खाना मांगता था, कहीं से एक रोटी मिल गई, दाल मिल गई, दूध मिल गया, तो वो ले जाके फिर वो अपने बच्चों को खिलाते थे। तो कहा तुम्हारा भी फिर ऐसा ही कुछ होगा, तुम भी ये करोगे। हालांकि जितने बड़े ज़मींदार का बेटा और माँ बाप ही बोल रहे हैं कि तुम भूखे मरोगे। हाँ बिल्कुल, ये बात बोली इन्होंने। हाँ, तो एक बार ये है कि देखो माँ बाप भी होता है ना, मोस्टली वो कंपेयर करने लग जाते हैं बच्चों का ना, कि देखो फलाना मुंडा, वो इतने नंबर आ गए, वो ऐमा हो गया, वो माँ हो गया, ये हो गया, तो फिर बच्चे में ना थोड़ा सा वो जाग जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से भी कंपेयर करने लगे कि हमारे यहाँ से तूलंबा से एक बंदा डॉक्टर बन बन गया था, हाँ हाँ गरीब बच्चा हाँ डॉक्टर बन गया था, हाँ तो उसके पास इतना पैसा आ गया था, तो उसके बारे में बताने लग गए थे कुछ, कि उससे कंपेरिजन होता था या उसकी उसकी बातें सुनाई जाती थी। हाँ हाँ, ये हर घर में होता है, मतलब पेरेंट्स दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं अपने बच्चे का। तो कोई कोई बच्चा होता है जो एफर्ट कर जाता है, और कोई कोई बच्चे को वो चीज़ लग जाती है कि ये चीज़ें कंपेयर क्यों हो रही है, जो मेरा मन करता है उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते मेरे पेरेंट्स। पर एक ये बात भी है ना, अगर अगर मौलाना अगर घर वालों की बात मान के डॉक्टर बन भी जाते तो भी वो इस लेवल का नहीं मौलाना बन पाते, इतना बड़ा नाम नहीं हो पाता जितना अभी तारिक मौलाना तारिक जमील का नाम है। वो तारिक जमील वो नाम नहीं होता जो आज की डेट में है ना। बिल्कुल। तो इन्होंने जो भी शोभा पकड़ा है, जैसे मौलाना बने हैं, तो इतना अच्छा अपना नाम किया, इतना फेमस नाम किया, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं, वो चीज़। इनका एक वाक्य भी था जिनमें इन्होंने अपनी इस चीज़ को लेकर बोला था कि ये किसी फेमस कैटेगरी से मिले थे, तो उन्होंने इनको पूछा कि आप मौलाना क्यों बने हो परवेज आप, तो मुशर्रफ, हाँ जनरल परवेज हाँ मुशर्रफ। हाँ तो इन्होंने बोला था कि अगर मैं आज मौलाना नहीं बनता तो आपसे कैसे मिल पाता, और भी काफ़ी सेलिब्रिटी से मिल पाते हैं ये। तो अगर मैं वही उन बच्चों के जैसे ही वहीं पे ही वो चीज़ें करता तो मैं सिर्फ वहीं तक ही रह जाता। अब अभी मैं यहाँ पर बैठ के, वो जो है वो वहीं पे ही है और मैं अभी यहाँ पे बैठ के
सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है, यही है कि मतलब कंपैरिजन नहीं होना चाहिए खास करके, मतलब ये ना वो टोंट नहीं, घर वालों की तरफ से टोंट वोंट नहीं होना चाहिए कि ये कर दे वो कर दे, थोड़ा चुभता है बातें। हाँ, तो बढ़िया थी गाइस, बहुत अच्छा लगा मौलाना साहब का बारे में ये सब सुन के, और अच्छा हुआ मौलाना साहब डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर तो बहुत शौक लोग बन सकते हैं, बट मौलाना बनना और इस लेवल के बनना ये तो जबकि मौलाना साहब ने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं कॉन्सर्ट में भी गाता था, मैं नाचता था गाता था, इनको गाने का शौक था बहुत ज़्यादा भाई इनको। हाँ, काफ़ी वाक्यों में इन्होंने बताया हुआ है कि मैं अपने उस टाइम में गाता था या नाचता था, मेरे को भी इन सब चीज़ों का शौक था। तो होता है, पर एक बार जब आपको पता चलता है ना कि इन द एंड चीज़ है क्या, लाइफ का एम क्या है, माइंड क्लियर आपका होना चाहिए सबसे बड़ी बात, माइंड क्लियर आपका होना चाहिए, तो उसके बाद सब सेट हो जाता है आपका लाइफ का कि ये करना है तो अब करना ही है। बिल्कुल, इसी तरह से मौलाना साहब का भी हुआ, बहुत अच्छा बयां था। तो चलते हैं गाइस, आप बीइंग मुस्लिम प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।